हेलो, नमस्कार। वेलकम। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और वैकेंसी की बात करूंगा और आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक और वैकेंसी निकली थी जिसमें आईटीआई वाले विद्यार्थियों की डिमांड की गई थी। अब जो एक और वैकेंसी है जिसमें पोस्ट भी अलग हैं और पद की संख्या भी ज़्यादा बढ़ाई गई है, सेम है, फील्ड अलग है। पहले वाली वैकेंसी थी गोला बारूद डिपो वाली थी, अब इसमें फील्ड 41 गोला बारूद डिपो के अकॉर्डिंग ट्रेडमैन, मैट और एमटीएस, फायरमैन और कई ऐसे अन्य पद हैं जिन पे आप लोग आवेदन करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन, अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हर एक पोस्ट की अलग क्वालिफिकेशन है। फॉर्म का भरने का प्रारूप बिल्कुल अलग है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको जो भी सवाल है वो कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि सारे पॉइंट बाई पॉइंट मैं क्लियर करते हुए चलूँगा, सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज की जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ। भारत के सभी विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और एकदम गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी होगी। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की बात की जाए तो सबसे पहले आपको विज्ञापन देखना होगा। अगर आप विज्ञापन नहीं देखेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये मैं पहले क्लियर करवा देता हूँ आपको। मैं बताऊँ तो ये आज और अभी ही लेटेस्ट विज्ञापन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार पत्र में, अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा एम्प्लॉयज न्यूज या फिर रोजगार समाचार, उसमें आपको फर्स्ट पेज पे ही इसकी अपडेट मिलेगी। तो आज मैं बताने से पहले यहाँ पे देखिएगा पोस्ट के बारे में डिटेल्स और कोर्स और कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ फिर से कहूँगा, अंत तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट हम बात करते हैं एप्लीकेशन इनवाइट और रिक्वायरमेंट। जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 41 फील्ड जो आइटम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि गोला बारूद डिपो है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली ही है। इसमें भारत के सभी इंडियन सिटीजन या स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ट्रेडमैन की पहली पोस्ट होगी। अब ट्रेडमैन के लिए 134 पोस्ट तो जनरल की है, ओबीसी की 89 है, एससी की 49 है, जबकि एसटी की 25 है और ईडब्ल्यूएस की 33 है। 330 पोस्टें सिर्फ टोटल ट्रेडमैन की है। अब आप सोच सकते हैं 458 में ट्रेडमैन की सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो बाकी पोस्टें क्या होगी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए 18,000 से 56,000 तक सैलरी आपको मिलेगी और इसमें 10वीं पास इंक्लूड किया जाएगा जो रिक्वायरमेंट बोर्ड के अनुसार। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें जीओए की, जिसके अंदर एलडीसी की पोस्ट अपडेट कराई गई है, जिसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है और इससे अधिक तक आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आउट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक असिस्टेंट एमई की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा, जिसमें जर्नल, ओबीसी, एससी, सभी कैटेगरी की पोस्ट हैं इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी की 8 के हैं और जर्नल की 8 है, ओबीसी की 5 पोस्ट हैं, जबकि एसटी की हम बात करें तो 1 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट हैं। इसमें ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मैनेजमेंट वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आगे एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में भी 10वीं की क्वालिफिकेशन जर्नल की 3 है, ओबीसी की जर्नल की 5 है, ओबीसी की 3 है, एससी एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूडी की सबकी एक एक पोस्ट इसमें दी हुई है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी एमटीएस की 11 है। 10वीं पास वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे, 18,000 से अधिक तक आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो ये हुआ इसका विवरण। फायरमैन की अब हम बात करते हैं। फायरमैन में टोटल वैकेंसी 64 अपडेट हुई है।
यानी कि फायरमैन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं जनरल कैटेगरी के, तो 26 पोस्ट आपकी दी हुई है। ओबीसी की बात करें तो 7 यानी कि 17 पोस्ट इसमें दी हुई है, और 10 पोस्ट एससी की, जबकि एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूडी की 6 पोस्टें हैं। ऐसे करके इसमें 67 पोस्टें अपडेट कराई गई है। इसमें 19,000 से प्लस में आपको सैलरी दी जाएगी। अब हम बात करें एबीओ की, ट्रेडमैन मेल्स मेटल्स की, तो यहाँ पे भी सेम 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब यहाँ पे पोस्ट के अनुसार क्या होगा, क्या अलग अलग और भी कोई कंडीशन दी हुई है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फिजिकल टेस्ट विल बी कैंडिडेट OH VH कैंडिडेट के लिए, यानी कि शायद हो सकता है OH का VH का विकलांग के लिए, और इसमें बाकी पोस्टों के लिए फिजिकल्स होगा। जैसे कि बात की जाए तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी, और जबकि हम बात करें वैकेंसी रिजर्वेशन है स्पोर्ट कोटे से, तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम बात करें एज की, तो यहाँ 21 वर्ष का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। सॉरी सॉरी, ये गलत हो चुका है। इसमें आप लोग आवेदन करेंगे जो 21 डे के अंदर अंदर भीतर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख भी इसमें शेयर की हुई है। अब हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट की, तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ऑफलाइन ही जमा करवाना होगा। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग खुद आराम से इस विज्ञापन को देखें और जांचें और उसके अनुसार आप आवेदन करें। अब यहाँ पे देखें कि इसमें एप्लीकेशन आर यू इनवाइट रिक्वायरमेंट 41 फील्ड आइटम रिसर्च डिपो के अनुसार इनवैलिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन रिस ऑफ कमन, यानी कि भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आज से 21 दिन के भीतर फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। फॉर्म तरीका भरने का ऑफलाइन होगा, यानी कि फॉर्म आप ऑफलाइन तरीके से भर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब मैं बात करूँ आयु सीमा के बारे में। जर्नल वाले विद्यार्थी 18 से 25 वर्ष तक का, और ओबीसी वाले विद्यार्थी 18 से 28 वर्ष तक का, जबकि एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तक का, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 18 से 25 वर्ष तक के विद्यार्थी इन फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि महिला भी इस फॉर्म को भर सकती है, पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ये आपको खुद को डिसाइड करना है। अगर आप फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिजिकल होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर एक फायरमैन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, उसे सब कुछ अपडेट होती है कि उसमें फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। आगे हम बात करें इसमें सिलेक्शंस के बारे में, रिटर्न टेस्ट होगा, सभी के अंदर रनिंग होगी, एमटीएस की में रनिंग एमटीएस में रनिंग नहीं होगी, जबकि ट्रेडमैन, फायरमैन और इन तीनों में जो इसका फिजिकल होगा वो इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें फॉर योर फीमेल्स कैंडिडेट ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन टेस्ट फीमेल कैंडिडेट विल बी, डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है उनका फिजिकल भी हो सकता है उसका फिजिकल भी नहीं हो, यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब फिजिकल के बाद रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट की बात करें तो जनरल के 25 और रीजनिंग वगैरह, जीके, इंग्लिश भी इसमें आएगी 50 क्वेश्चंस के, और जीके इसमें 50 क्वेश्चंस की अपडेट कराई जाएगी। तो ये होगा जिनका रिटर्न टेस्ट होगा एमए यानी कि मास्टर असिस्टेंट की, और जेओबी की, और एमटीएस, फायरमैन, ट्रेडमैन, मेटल, ये सब के लिए रिटर्न टेस्ट निर्धारित होगा। यानी कि यहाँ पे आपको बता दें कि पहले फिजिकल, जिन पोस्टों का फिजिकल होगा वो फिजिकल देना होगा, फिर जिनका एग्जाम होगा सीधा वो एग्जाम भी देंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, ऑफलाइन पेपर देना होगा, इसमें ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आपको बता दें कि आज और अभी फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो 25 रुपये का पोस्ट टिकट या पोस्ट कार्ड आपको लगवाना होगा। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी भी आप लाइक कर दीजिएगा। अब मैं फॉर्म की बात करूँ तो ये फॉर्म आप लोगों के सामने रखा जाएगा।
आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करना होगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूं तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करें, वहां से इस विज्ञापन को देखें और वहीं से इस फॉर्म को डाउनलोड करें, और एक करीबन 3 से 4 पेज का विज्ञापन और उसमें फॉर्म भी इंक्लूड करवाया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वैकेंसी के साथ फिर शुरुआत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।